चुनाव की बात नहीं है, ये लोगों की समस्या उनको सुनना और उनका समाधान करना, और ख़ास तौर पे आज के इस दिन में जिस दिन से गुरमीत सेठी की बॉडी यहाँ पर मिली है कश्मीर में, जो बड़े दावा करते थे कि पुख्ता इंतजाम है, परिंदा भी पार नहीं मारेगा, नोटबंदी कर दी तो फिर सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा। पोस्टमार्टम के बाद जानकारी हम चाहते हैं कि किस वजूहत है। वो AW था, बारामूला में सड़क की वार्निंग का काम करता था, 4 दिन का गैप और आज की बॉडी मिली। तो ये आज अमित शाह जी जवाब दे कि मिनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का क्या बंदोबस्त यहाँ पे किया, तो इससे माइग्रेशन शुरू हो जाएगी। हमारे SC कम्युनिटी के लोग जो जम्मू से वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो भी दहशत के माहौल में यहाँ पे आ गए, तो काम कौन करेगा? यही ठेकेदार थे एक बरादरी के, कम्युनिटी के, आप मुंह में ताला क्यों लगा? हम ये जवाब उनसे पूछना चाहते हैं कि कितनी और मिनॉरिटीज़ की किलिंग आप लोग यहाँ पे करवाओगे। अगर नितिन गडकरी पार्लियामेंट में जवाब देता है कि ये टोल प्लाजा इलीगल है, 60 किलोमीटर के अंदर हटा दूंगा, और उसको 1.5 साल हो गया बयान दे, इसकी कमाई, इसका पैसा कहाँ पे जा रहा है? हमारे गरीब आदमी की आप पेंशन बंद करते हो, ओल्ड एज लोगों की पेंशन बंद करते हो, अर्ली टाइम जल्दी अगर किसी को विधवा होती है उसको पूरे तौर पर कंपनसेशन आप नहीं देते हो, SRO 43 के केसेस सेटल नहीं करते हो, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लूट नहीं है जो टोल प्लाजा के जरिए हमारे लोगों का खून चूसा जा रहा है? और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ज़्यादा उसके बिल यहाँ पे आ रहे हैं, लोग पागल है, पूरे जम्मू कश्मीर का आवाम और औरतें सारी सड़कों पर उतरी हैं। इसका जवाब 25 जो आदमी हैं बिल्कुल जयचंद का रोल जिन्होंने अदा किया, लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। अब हम सड़कों पर जाएंगे। कांग्रेस कमेटी के पवन देव सिंह जी, टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।